मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा संविधान हाथ में लेकर झूठ बोल रहे हैं राहुल। राहुल बताएं किस अधिकारी ने फोन किया। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं। राहुल गांधी के बयान पर सुकांता मजुमदार का पलटवार, कहा पहले से जमानत पर हैं राहुल, वैसे भी होगी गिरफ्तारी, भ्रष्टाचार किया है तो एक्शन होगा। देखिए ऑलरेडी वो बेल पे है, एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है, बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। इनके लिए इसके लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज है। राहुल गांधी के ट्वीट पर यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर साधा निशाना और कहा जब भी डरती है सरकार तो ईडी आईटी और पुलिस के साथ विपक्ष को करती है परेशान। राहुल गांधी के बयान पर संजय निषाद का पलटवार, कहा जिस ईडी अधिकारी की बात कर रहे हैं राहुल वो नहीं होगा ईडी का अधिकारी, ईडी का अधिकारी कैसे लीक करेगा योजना। अयोध्या कांड को लेकर संजय निषाद ने सपा पर साधा निशाना और कहा समाजवादी पार्टी का असली चरित्र आया सामने, सपा के लोग करते हैं रेप, ऐसे लोगों के सहारे जीती सपा। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, परीक्षा केंद्रों की हो सीसीटीवी निगरानी, रियल टाइम, बंद गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम के साथ भेजे जाएं परीक्षा के पेपर। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नीट की परीक्षा कराने की याचिका खारिज की और कहा व्यापक स्तर पर नहीं हुआ पेपर लीक, पटना हजारीबाग तक ही पेपर लीक रहा सीमित, एनटीए को आगे ध्यान रखने की सलाह दी। उफान पर अलकनंदा नदी, पहाड़ों में पर भारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। रामपुर में आसमानी आफत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों की तलाश में जुटी टीम। हिमाचल के मलाड़ा पावर स्टेशन में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, जान जोखिम में डालकर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। शिमला के रामपुर में लैंडस्लाइड के बाद मरम्मत का काम जारी, बादल फटने की घटना में 4 लोगों की मौत, 49 लोग अभी भी लापता। एमपी के भोपाल में भारी बारिश, बारिश की वजह से भदभदा बांध के खोले गए गेट, अलर्ट मोड पर प्रशासन। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी में छोड़ा पानी मुक्कोम्बु बांध तक पहुंचा, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में कावड़ यात्रा को लेकर बढ़ी सुरक्षा, ड्रोन से की जा रही है निगरानी, हर बेसिक सुविधाओं का रखा गया है ध्यान। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर 50,000 का इनाम घोषित, अफशा अंसारी सहित कुल 5 लोगों पर घोषित हुआ इनाम, आईएस 191 गैंग की सहयोगी है अफशा अंसारी समेत 5 लोग। दिल्ली के गोकुलपुरी हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया, महिला की गोली मारकर हत्या की थी। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद, पैरामाउंट सोसाइटी में चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया, चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मामूली बात पर भाई ने की भतीजी की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुणे में मासूम लड़की के साथ हुआ दर्दनाक हादसा, लोहे का गेट गिरने से हुई मौत, पिंपरी चिंचवाड़ की बोपखेल इलाके की घटना। चिली में तूफान का कहर जारी है, तेज हवाओं में ढह गई बहु, न्यायालय की संरचना, खौफनाक तस्वीरें सामने। दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तूफान की जताई आशंका, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। फिलीपींस के सेबू शहर में भारी बारिश की खबर, सड़कों पर जमा हुआ है बारिश का पानी, धीमी पड़ी गाड़ियों, गिरफ्तार। फ्रांस के ग्रैंड ईस्ट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से मुश्किलें बढ़ी, जलभराव की वजह से आम लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। और इसी बीच अगली खबर महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर हादसा हुआ है, सड़क पर गिरी है एक होर्डिंग, हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक होर्डिंग के गिर जाने से, आप ये तस्वीरें देखिए कैसे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, ये महाराष्ट्र का पूरा मामला है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। एकाएक देखिए लगातार बारिश हो रही थी और कैसे एकदम तेजी से ये होर्डिंग गिरता है,
थाने में ये होर्डिंग गिरा है, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तीन गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई हैं। लोहे के सरियों के जरिए ये टिका हुआ था, लेकिन बारिश लगातार हो रही है, तेज हवाओं के बाद ये होर्डिंग गिर जाता है, इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके बाद दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। महाराष्ट्र के थाने का ये पूरा मामला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब वायनाड की करेंगे, जहां पे मरने वालों का आंकड़ा भूस्खलन के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही, 308 लोग बताए जा रहे हैं मौत हुई है उनकी भूस्खलन में। वायनाड से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भयावह रही हैं, और अब लगातार जो रेस्क्यू हो रहा है उसमें शव भी बरामद किए जा रहे हैं। 308 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार यहां पर जिस तरह की तबाही हुई है, जिस तरह की त्रासदी आई है, लैंडस्लाइड से अब तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और ये जो आंकड़े वो चिंता कहीं ना कहीं ला रहे हैं प्रशासन पर भी, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी शवों को निकाला जा रहा है और आंकड़े और बढ़ सकते हैं। जहां हम हिमाचल और उत्तराखंड में भारी तबाही देख रहे हैं, वहीं वायनाड में जो लैंडस्लाइड आई उसने 308 लोगों की जान ले ली है। केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद मरने वालों की संख्या 308 हो चुकी है, और ऐसे में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है और वहां लगातार जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने कमाल कर दिखाया है। मेरे पीछे आपको वैली ब्रिज इस वक्त नजर आ रहा है, और ये वैली ब्रिज एक रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि 15 से 16 घंटे के अंदर इस लोहे के पुल को बनाकर तैयार किया गया, ताकि जो लैंडस्लाइड एरिया है, लैंडस्लाइड से जो लोग प्रभावित हैं, उन लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके, उनको निकाला जा सके जहां पर आपदा आई है। और देखिए, एक तरफ आपको जो है यहां पर कुछ इलाका आपको नज़र आ रहा है जहां पर बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको घर नज़र आ रहे हैं, और बीच में है आपको ये नदी नज़र आ रही है। एक दो दिन पहले इस नदी का उफान बहुत ज़्यादा था, और इसी उफनती नदी पर देखिए ब्रिज बनाना आसान बात नहीं थी, बहुत ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल काम हमारी सेना के इंजीनियर्स ने कर दिखाया। और एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि 15 से 16 घंटे के अंदर वैली ब्रिज को बना करके तैयार किया गया है। आपने एक तरफ की तस्वीर देख ली, इस लोहे के ब्रिज को देख लिया, लेकिन अब आपको हम उस वाली तरफ की तस्वीर दिखाते, क्योंकि इसी ब्रिज को पार करने के बाद हमारे जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं, और लगातार हम देखिए यहाँ पर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई कहीं यहाँ पर दबा ना हो। और देखिए आपको लगातार उधर तस्वीर दिखा रहे, जेसीबी के जरिए यहाँ पर भी रेस्क्यू चलाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस प्रशासन के अलावा यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, मेडिकल की जो टीम है वो यहाँ पर है कि किसी तरह की किसी को परेशानी आती तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके। भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने जो वैली ब्रिज तैयार किया है, उस वैली ब्रिज को पार करने के बाद यहाँ पर जोरों शोरों से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये वैली ब्रिज तैयार नहीं होता, भारतीय सेना इसको समय रहते तैयार नहीं करते, तो उस जगह ये जो उफनती नदी आपको इस वक्त नजर आ रही है, हालांकि अभी तो फ्लो कम हो गया है, लेकिन इसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल था, और पहले भी रस्सी के सहारे यहाँ पर लोग पहुँच रहे थे, लेकिन आपने देखा कि 15 से 16 घंटे के अंदर हमारी भारतीय सेना ने, जाबाज सेना ने इस पुल को तैयार किया। लेकिन एक और तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और देखिए अभी डॉग स्क्वाड क्योंकि यहां पर पहुंचा था, डॉग स्क्वाड की टीम लगातार यहां पर है, और ये आशंका जताई जा रही है कि मेरे पीछे जो आपको तस्वीरें नजर आ रही है, जो जेसीबी आपको इस वक्त नजर आ रही है, यहां पर कुछ लोग जो है कुछ शव हो सकते हैं, इसीलिए देखिए यहां पर जेसीबी इस वक्त खुदाई कर रही है। कितना गहरा, इतना सारा मलबा, इतना सारा पानी, पत्थर ही पत्थर आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर भी ये खबर है, एक जेसीबी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ शवों के दबे होने की आशंका, अंदेशा जताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी देखिए एक दो जेसीबी आपको नजर आ रही है।